तो डेफिनेटली जब इनका मकसद अचीव हो जाएगा, जब 1 मिलियन लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये उसको ये फ्री वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी, देन फिर आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो आप मौका यूज जाया मत कीजिए, इसको जल्द अज जल्द कर लीजिए। ऑडियंस क्या है, कोई भी आईटी का प्रोफेशनल कर सकता है। हाँ, कोई बहुत सीनियर सीनियर बंदा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का है, उसके लिए जरूरत नहीं है। कोई 5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, कोई आईटी में है, सिस्टम एडमिन है, डेवलपर है, डीबी है, तो वो भी कर सकता है, अपने शौक के लिए कर सकता है। उसको एक्स्ट्रा सीवी पे एक पॉइंट आ जाएगा, आईएससी के का नाम लग जाएगा साथ, थोड़ा सा उनके सर्टिफिकेशन की है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत आइडियल है, रिसेंट ग्रेजुएट्स जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई बंदा है जो नेटवर्क में है, नॉक में से सॉक में जाना चाह रहा है या साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहा है, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास। Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो छोटी सी वीडियो है, ये इस आईएससी स्केयर के हवाले से है। उनका एक प्रोग्राम है, 1 मिलियन सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जो फाउंडेशन कोर्स से जो थोड़ा सा कुछ महीने पुराना है, तो थोड़ा सा हम लेट हैं इस वीडियो बनाने के हवाले से, लेकिन हमने देखा कि ये अभी तक प्रोग्राम चल रहा है और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कैसे ज्वाइन करना है, इसलिए हमने छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि आपके काम आ सके। इसके बारे में चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। एजेंडा क्या है, प्रोग्राम है क्या, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ऑडियंस कौन सी है, क्यों करना चाहिए, सफर कैसे स्टार्ट करना है, उसमें है क्या, कवर्ड क्या है। 19 जुलाई को जी आईएससी स्केयर ने अनाउंस किया अपनी वेबसाइट पे कि हमने एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आईएससी स्केयर जो है काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने सीएसएसपी का नाम सुना होगा तो ये वही किसी का इन्हीं की एक सर्टिफिकेशन है जो वेल रिस्पेक्टेड है और बहुत मशहूर है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो 1 मिलियन लोगों को दुनिया के अंदर बेसिक एक साइबर सिक्योरिटी के फाउंडेशन नॉलेज उनको देगा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद उन्होंने, इसका मकसद यही है कि जो लोग लो ये कर लें वो अपने आपके अपने कुछ जहाँ पे भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो अपने शो कर सकेंगे जी हमें साइबर सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, हमें चीज़ों का आइडिया है। तो ये इससे पहले इन्होंने यूके में एक प्रोग्राम किया था 100K, तो वो उसकी बेस पे, उसकी सक्सेस की वजह से पे इन्होंने ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया। और अच्छा प्रोग्राम है ये, आप यूआरएल याद कर लें जो सामने है, तो बड़ी ईजी है। वैसे इसको आप गूगल भी कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, IAC 2 1 मिलियन प्रोग्राम, तो आपको मिल जाएगा। एनीवेज वो तो खैर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आगे चलते हैं, इसके प्रोग्राम्स क्या है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग होगी जो आप 1 महीने के लिए अवेलेबल है, एग्जाम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसी का साथ उसी उसी पोर्टल के अंदर आपको उसका वो एक मिलेगा, कूपन मिल जाएगा, तो एग्जाम पास कर लेंगे तो फिर आपको $50 पे करने पड़ेंगे ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, और फिर आपको हर ईयर तो उसकी एक एनुअल मेंटेनेंस फीस देनी पड़ेगी। अभी तक उन्होंने जो एनुअल मेंटेनेंस फीस है वो अभी वेव है टिल सितंबर 2023। तो डेफिनेटली जब इनका मकसद अचीव हो जाएगा, जब 1 मिलियन लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये उसको ये फ्री वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी, देन फिर आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो आप मौका यूज जाया मत कीजिए, इसको जल्द अज जल्द कर लीजिए। ऑडियंस क्या है, कोई भी आईटी का प्रोफेशनल कर सकता है। हाँ, कोई बहुत सीनियर सीनियर बंदा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का है, उसके लिए जरूरत नहीं है। कोई 5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, कोई आईटी में है, सिस्टम एडमिन है, डेवलपर है, डीबी है, तो वो भी कर सकता है, अपने शौक के लिए कर सकता है। उसको एक्स्ट्रा सीवी पे एक पॉइंट आ जाएगा, आईएससी स्केयर का नाम लग जाएगा साथ, थोड़ा सा उनके सर्टिफिकेशन की है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत आइडियल है, रिसेंट ग्रेजुएट्स जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई बंदा है जो नेटवर्क में है, नॉक में से सॉक में जाना चाह रहा है या साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहा है, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, तो इसमें फायदा है। मैं समझता हूँ कि जो भी कर सकता है इसको करें, इसलिए मैं ये उर्दू में बना रहा हूँ ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान से इसको भी करें, और जो जो लोग उर्दू बोलते हैं वो उसको ज्यादा ज्यादा करें। क्यों करना चाहिए, पहला ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत वेल रिस्पेक्टेड है, बहुत रिप्यूटेड है,
दो जो है जो काफी ज्यादा मशहूर है, एक आईएससी स्केल है, दूसरी इसाका है। तो आईएससी स्केल जो है उसका सीएसएसपी एक बहुत मशहूर सर्टिफिकेशन है, जिसको अब तक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में टॉप सर्टिफिकेशन माना जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि अभी तक मार्केट में इतने ऐसे कोर्सेज कम अवेलेबल थे जो आपको फाउंडेशन नॉलेज देते हैं। CompTIA का सिक्योरिटी प्लस है, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो पेड है। तो इस वाले से आप देखे जाए तो आपको एक फ्री ऑप्शन मिलती है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये फ्री है तो इसको लाजमी बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहिए। जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप जाएंगे आईएससी की वेबसाइट पे, वहाँ आप अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म उनका फिल करेंगे, उसके बाद उसमें आप चूज करेंगे सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी। जब तो कंप्लीट हो जाएगी तो आप उनके कैंडिडेट बन जाओगे। उसके बाद आपको वहाँ पे कैंडिडेट बेनिफिट का पेज खुलेगा, जिसपे आप मजीद चीजें देख सकते हैं। इस सब की डेमो बनी हुई है। जब एग्जाम पास कर लोगे तो आप उनके मेंबर बन जाओगे, और उसके बाद आप उनसे मतलब आपको उनको $50 हर साल देने पड़ा करेंगे। ठीक है, दैट्स फाइन। $50 इज नॉट मच, कंसिडरिंग आपको इसमें जॉब में कई चीजों में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। ये मैं दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सॉरी, ये ब्राउजर में खुला हुआ है, ये उनका प्रोग्राम है। यहाँ पे नीचे स्टेप्स दिए हैं, सेम स्टेप्स में लिखे हैं। यहाँ से आपने अगर साइन इन कर लिया तो आपका अकाउंट आपका है, ये देख लें। ये मैंने एक लॉगिन पहले सेव अपना करके रखा हुआ है, मैं अंदर चला गया। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो वो इसी में आप जहाँ पे जाएंगे तो यहाँ ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये वो लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तीसरे वाले पे, जब ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे तो आई कैन सी हेयर, ये मुझे ऐसे नजर आएगा 0 0, इट शुड बी 0। अगर आपके पास कुछ भी और अमाउंट आती है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप सही तरीके से फॉलो करेंगे। ये 0 आना चाहिए सारा का सारा। ठीक है, इसी जगह पे ये एग्जाम का वाउचर भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। विल गो बैक टू आवर स्लाइड्स। ठीक है जी, उसके अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें इंट्रोडक्शन है, उसमें 11 टॉपिक्स हैं। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में 51 टॉपिक्स हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन 28 टॉपिक्स हैं। एक्सेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं 36 टॉपिक्स हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी है 64 टॉपिक्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन। अगर आप देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सब ऑल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत काम आने वाली इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको ये पसंद आया, इसके बाद अभी डेमो आएगी, तो अगर आपको मैं ये पसंद आया तो आप ये हमारे बाकी चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें कुछ इंग्लिश में है, लेकिन हमारे पास एक उर्दू की प्ले लिस्ट भी है, उसमें आप जाके उर्दू में भी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू।